Let's start. Last lecture we completed, I think, four methods, sum of the years digits, number of years, number of hours, okay, production unit, and extraction. Today the last part. Last lecture, I discussed something about revaluation of assets. You remember? Revaluation of assets के बारे में कुछ discuss किया था, याद है? What are we supposed to do? Revaluation कैसे करने का? याद है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, बोलो. व्हाट इफ इट इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वेयर आर यू सपोज टू शो द प्रॉफिट्स? रिवैल्यूएशन, व्हिच रिजर्व? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन. द नेम ऑफ द रिजर्व इज इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, दैट इज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. This revaluation reserve, which is a capital profit or a revenue profit? Capital profit. Okay, capital profit. Day to day profits, no, usko add nahi karna. It's capital profit. And what about loss? The downward revaluation was. Yeah. Then it is going to go to P&L. However, if it is upward revaluation, it is. Capital profit. If it is downward revaluation, it is revenue loss. Why do we do that? Conservatism. Conservatism. Okay, conservatism. Loss है तो immediately revenue में दिखाओ और profit है तो immediately revenue में मत दिखाओ. जब realize होगा asset बेचोगे तो automatically you can transfer that profit from revaluation reserve to profit and loss account. Is that clear? All right. उसके बाद सेकेंड रिवैल्यूएशन का भी हमने देखा था. सेकेंड रिवैल्यूएशन अगर हुआ तो अगर पहला रिवैल्यूएशन इज अपवर्ड, सेकेंड रिवैल्यूएशन के लिए अपवर्ड तो प्रॉब्लम नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व ही क्रेडिट करो. बट अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो क्रेडिट है उसको खत्म करो, डेबिट दो, और फिर एक्स्ट्रा डेबिट दैट विल गो टू पीएनएल द सेकेंड रिवैल्यूएशन. एंड सिमिलरली अगर डाउनवर्ड वैल्यू किया है फर्स्ट टाइम में लॉस है ऑलरेडी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का, और वापस सेकेंड टाइम आप अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो तो सीधा सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखा देना. पहले वो पीएनएल का जो डेबिट है उसको क्रेडिट करके नलिफाई कर दो एंड देन यू गो टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. ओके, दैट वाज योर रिवैल्यूएशन पार्ट. दैट इज जस्ट फॉर थियोरी. प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे वो हम लोग देखते हैं. वेरी सिंपल, अगेन टेल मी, ये अपवर्ड रिवैल्यू किया एसेट को या डाउन रिवैल्यू किया, इज दिस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट? एस्टिमेट. क्लियर, पता चल रहा है एस्टिमेट है. हमने सोचा था एसेट की कॉस्ट इतनी होगी, इतनी इतनी डेप्रिशिएट करेंगे, खत्म हो जाएगी. बट ड्यू टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट, ड्यू टू द चेंज्ड मार्केट कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, शुरू में दिया था डेप्रिसिएशन कैन अकर टू ऑल दीज आइटम्स. Change in technology, obsolescence of technology, passage of time, usage, सबके वजह से जो reduction increase हो रहा है वो सब depreciation, appreciation है तुम्हारे value का. तो यहाँ पर आपके estimate wrong हो गए. आपको लगा कि asset का cost इतना होगा, इतना कम करके कम होके zero हो जाएगा, लेकिन estimate wrong हो गया, इसलिए आपको revalue करना पड़ रहा है. अभी market condition change हो गई तो आप या upward revalue कर रहे हो या downward revalue कर रहे हो, ठीक है? तो इसका जो अकाउंट्स में इफेक्ट होगा, विल इट बी रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव. रिट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग देना पड़ता है. यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग देने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम द बिगिनिंग की जरूरत नहीं है. दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट गिविंग द इफेक्ट. इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक वी डिड इन केस ऑफ चेंज इन लाइफ. Okay, अभी कल एग्जाम्पल किया था हमने चेंज इन लाइफ का. सो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 35.
एक सम नंबर 35 ले लो, 35 35th problem. See what are they give? Machine of cost 20 lakhs is depreciated on straight line assuming 8-year working life and a zero residual value for 4 years. End of the fourth year, the machine was revalued upwards by 80,000 rupees. The remaining useful life was reassessed at 6 years. Calculate the depreciation for year 5. So revalue ho raha hai ya change in life ho raha hai ya change in scrap ho raha hai Ronak Sanghvi, to kya karna hai apne ko? Revaluation ho raha hai, change in life ho raha hai, change in scrap ho raha hai. Is this change in accounting policy or accounting estimate? Estimate. Estimator. So hum logo wahi se naya session start karte hain, barabar. All right, so let's begin. How to do the sum? It will be again a working note. Kuch account nahi pucha hai yahan pe to. Sum number? It's a working note. 35, yeah. Sum number 35. Working note banane ka. See 35th sum. Okay. Now, original cost of the asset was, I think, 20 lakhs. Original cost was 20 lakhs. Scrap, estimated scrap was nil. Life expected was 8 years. So सिंपल करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन पर ईयर ढूंढ लेते हैं. पुराने वे से डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा? 20 लाख स्ट्रेट लाइन बेसिस था दिया हुआ है, माइनस नील अपॉन लाइफ दैट इज 2.5 लाख. करेक्ट, 2.5 lakh was your depreciation, 2,50,000. And like that, you have been doing for the last 4 years. So, total depreciation for 4 years is 2,50,000 multiplied by 4, that is 10 lakhs. Correct? So, what is the WDV of the asset at the end of WDV of asset at the end of 4 year? इसमें कोई step वगैरह कोई format नहीं है working note का. Logically आप सोचते जाओ कि one by one आपको answer मिलते जाएंगे. Statement form में लिखना है, ठीक है? कुछ ऊपर नीचे हो गया एक आध amount बांधना है. Just a working note. You need to explain and show it what it is. That's it. So WDV at the end of 4 years would be what? 20 lakh minus 10 lakhs, that is 10 lakhs. Correct? Now, यहाँ पे आके वो upward revalue हुआ. So यहाँ पे आके उसकी WDV change हो गई है. So what is the WDV now? Is it 10 lakhs? No. What it is then? Here it is revalued upwards by rupees 80,000. Therefore, new value of asset, new WDV of asset equals 10 lakh plus 80,000, that is 10 lakh 80,000. Barabar hai? 10 lakh 80,000 is equal to 10 lakh 80,000. ये समझ आ रहा है यहाँ तक? इसकी जो जर्नल एंट्री होगी 80,000 से जो हमने रिवैल्यू किया अपवर्ड्स के अपवर्ड्स रिवैल्यूएशन जो किया, क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? व्हाट बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस 8,000?
Asset to revaluation reserve account 80,000. Is that clear? Mangi kona? Now, next one. After upward revaluation of 10,80,000, is there any change in scrap value? Is there any change in the scrap? No. It is still nil. Still zero. And what is the estimated life now? The remaining life of the asset was the reassessed at 6 years. वैसे कितना बाकी था लाइफ? 4 years. But अब कितना हो गया? 6 years. These are all change in estimate. अभी मेरे को लगा 6 साल चलेगा. तो मैं यहाँ से नई गोड़ी नवो डाउ. आपने कही है ना गुजराती में नई गोड़ी नवो. यहाँ से we are starting, we are continuing the asset and depreciating it. From henceforth, we'll be depreciating it over 4 years or 6 years. बोलो. 4 years की 6 years. 6 years. Therefore, depreciation for year 5, henceforth 5, 6, 7, 8 will be what? 10,08,000. No scrap, nil hai upon 6. That is how much? 1,80,000. That's your answer. 1,80,000. Change in accounting estimate है तो आपको पिछले पिछले record में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप change करते रहो. Change in accounting estimate भी आपका rarely होना चाहिए. समझदारी से होना चाहिए. जरूरत पड़े तो ही होना चाहिए. और करो तो उसको प्रोस्पेक्ट इफेक्ट आप के चेंज कर सकते हो. ओके, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो रहा हो बिजनेस में तो ही चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना है. स्टैंडर्ड में क्लियर कट दिया हुआ है. सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करना तो ही करने का. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट है रिलेटेड पार्टीज के, शेयर होल्डर्स के, बैंक्स के, तो ही आपको चेंज करना है, वरना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो दैट्स योर रिवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट. क्लियर विद दिस प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू? थोड़ा इसमें और मसाला डालते हैं और हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ जाके खत्म करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 17, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द शीट आई थिंक. और कुछ बाकी तो नहीं है, देख लेना. हमारा प्रॉब्लम नंबर 17 आई थिंक शुड बी द लास्ट प्रॉब्लम. बचा कुछ है तो बोलना मेरे को. 25th बाकी है. 25th बाकी है. बाकी रह गया 25th. हाँ चलो यही है, 25th भी यही है. और कोई प्रॉब्लम बाकी है? नहीं सर, बाकी सब हो गया. बाकी सब हो गया. बढ़िया. चलो 17 के बाद 25 ले लेंगे. 17th प्रॉब्लम. ओके, see some numbers 20. Now, Messrs. Kumar and Company purchased a machine on 1/1/18 for 30 lakhs. 30 lakhs ka machine kharida hai. And 1/1/18 ko kharida hai for 30 lakhs. Estimated useful life was 20 years. So, likhte jao, original cost was 30 lakhs. Life expected, estimated useful life was 20 years. And scrap value at the end of the expected life was supposed to be 2 lakhs. So scrap estimated, ye bhi estimated rehta hai sab kuch, that is 2 lakhs. Ye estimate kahan se nikalte hum log? Obviously, looking at the other businesses. Bataya tha na first lecture. Apne jaise jo business hai, apna jaisa jo asset use kiya hai, उन पे जो डेप्रिसिएशन लाइफ हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट अवर एस्टिमेट्स. बराबर है? नाउ ऑन 1/1/22 द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीवैल्यूड टू बी अप बाय 1,60,000. 1/1/22 को हुआ है. 1/1/18 से 1/1/22 तक पुराना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चल रहा था. कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी अज्यूम इट इज FIM दिया भी है, SLM दिया हुआ है. Last line.
So depreciation per year would be how much? 30 lakhs minus 2 lakhs divided by 20, which is 28 lakhs divided by 20, that is 1,40,000. That is a depreciation you charge, and that is what you have been charging for 4 years. So depreciation for, you can write like this, 4 years. That is from 1/1/18 to 1/1/22 is 1,40,000 multiplied by 4, which is 5,60,000. So that brings us to the answer of WDV of asset, that is machine, on 1/1/22 should be how much? Idhar kya lene ka? Cost lene ka. Don't subtract from 28 lakhs. 30 lakh ka cost tha. 30 lakh ka jo cost tha minus 5,60,000. That is a WDV. 24,40,000 aana chahiye. 24,40,000 is my WDV at the end of year 4. Idhar aake mujhe laga ki mujhe revalue karna chahiye. Market condition aisi hai ki value kam nahi hogi. Bahut guarantee hai ki itna hi value rahega. To main jaake upward revalue karunga aur entry kya pass karunga, it will be asset to revaluation. So asset to revaluation reserve account 1,60,000 से अपवर्ड रिवैल्यू किया तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट लिख दो यहाँ पे. रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट या न्यू वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू 24,40,000 प्लस 1,60,000 व्हिच इज 26 लाख. 26 lakhs. So, asset revalue kar diya. This was a change in estimate. Okay. And then, what did I do? I also changed the life. Read. Aage kya diya? 1,60,000. Useful life was re-estimated at 24 years. Now, tell me, is it remaining useful life or total useful life? Total. ऐसा नहीं दिया कि remaining, balance useful life नहीं दिया. पिछले example में हमने किया था वहाँ पे balance useful life. यहाँ पे useful life of the asset was re-estimated. तो 20 का 24 years हो गया ऐसा. इसमें से 4 साल तो already निकल गए. तो अभी remaining useful life कितना रहेगा? What will be the remaining useful life? 20 years. Got the difference between this one and the previous one? The remaining useful life was reassessed to be 6 years. The remaining useful life is not 6 years. The total useful life is 24, out of which 4 years have expired. So now we have to the balance useful life, that is 20 years. Harsh Rajay, are you listening? What is the balance useful life, Harsh? 24 or 20? Harsh. Idhar hai dhyan. 20 years. 20 years is the remaining useful life. Is that clear? Remember that. So remaining useful life. Remaining useful life equals 20 years, not 24. 24 mein se 4 gaya. Theek hai? So, अच्छा, स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज किया है उसने? स्क्रैप वैल्यू सेम एज बिफोर. स्क्रैप वैल्यू सेम एज बिफोर. याद रखना गाइस, पिछले स्क्रैप नहीं था, ये समय स्क्रैप आ गया. तो अब डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? नाउ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2022 क्या होगा अपना?
24 lakhs depreciation for the year 2022 will be what? 26 lakh is the cost. Upon 20. Minus 2 lakh is the scrap. Upon life is 20 years, which is 24 lakhs. Upon 20, that is how much? 1,20,000 RM. 1,20,000 आ रहा है। स्क्रैप का ध्यान रखना गाइस, लास्ट समय स्क्रैप नहीं था इसलिए हमने डायरेक्टली उसको लेके डिवाइड कर लिया था। इसमें स्क्रैप है ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप वैल्यू अपवर्ड कर रहे हो, तो अपना वैल्यू अभी ऐसे का कितना हो गया 26 लाख, तो जो कॉस्ट हमारी 30 लाख थी वो 26 लाख। स्क्रैप तो उतना ही है, तो जैसे 30 में से माइनस किया था वैसे 26 से भी माइनस करने का, सिंपल। और डेप्री कितना होगा 120, मतलब इसका ये हुआ कि अब जाके अगर आप अकाउंट बना के देखोगे तो 26 लाख की बैलेंस दिखेगी आपको, वहां से 120 120 120 120 120 लाइक दैट विल चार्ज डेप्री फॉर 20 इयर्स। आपका टोटल डेप्री कितना होगा 24 लाख। एंड में एट द एंड 20 इयर्स ऑटोमेटिकली और WDV विल बी 2 लाख फॉर विच यू विल सेल इट द स्क्रैप वैल्यू, गॉट इट? सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। या जब स्क्रैप वैल्यू एस्टीमेट करते हैं तब कंजर्वेटिज्म वायलेट नहीं होता, बिकॉज़ वी आर प्रोवाइडिंग फॉर एंटीसिपेटेड गेन्स। हाँ तो गेन्स नहीं है वो, स्क्रैप वैल्यू कैसा है, इट इज अ वैल्यू एक्सपेक्ट, इट इज नॉट अ गेन। वो भी तुमको रीअसेस करना है हर साल के एंड में। स्टैंडर्ड्स ये भी बोलता है कि आपको आपका लाइफ, आपका कॉस्ट और आपका स्क्रैप हर साल के एंड में रीअसेस करते रहो। दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, दैट वे इट इज। तो हम लोग स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ये मोस्ट कंजर्वेटिव है, तो ये प्रोवाइड किया तो कम से कम इतना तो आएगा ऐसा अपने को लग रहा है, समझ रहे? कम से कम इतना तो आप तो गेन्स के लिए अकाउंट कर रहे हो ना? नहीं, गेन्स का अकाउंट नहीं है वो। गेन्स कब होगा? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 लाख का स्क्रैप आ रहा है, चलो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 0 स्क्रैप आ रहा है और फिर भी आप स्क्रैप वैल्यू दिखा रहे हो 5,000, दैट इज इन अ वे यू आर शोइंग फॉर गेन, समझ रहे? लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद 4-1 लाख स्क्रैप वैल्यू आ जाए, लेकिन फिर भी आप 2 लाख दिखा रहे हो, मिनिमम पॉजिटिव इतना तो आएगा, दैट इज रीजनेबल एस्टिमेट। कुछ आ रहा है तो उसको करो, एकदम रीजनेबल ही मिल रहा है तो उसको दिखा सकते हो। और मैंने बोला था अभी रीजनेबली कंजर्वेटिव होना है, एक्सट्रीम कंजर्वेटिव नहीं होना है। एक्सट्रीम कंजर्वेटिव था अपना स्टैंडर्ड्स में, मैं आपको बोल रहा हूँ उस दिन GAAP, US का GAAP और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी दे स्लोली दे मर्जिंग डाउन। ओके, जो US में एक्सेप्टेड है वो GAAP है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है उसको IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो वो और इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी मर्ज हो रहे, तो उनका और हमारा ये प्रिंसिपल में थोड़ा गड़बड़ी होता है कंजर्वेटिज्म। वो लोग थोड़े रीजनेबली कंजर्वेटिव है, अपन थोड़े एक्सट्रीम कंजर्वेटिव है, तो वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट। एक्सट्रीम कंजर्वेटिव नहीं, इसलिए RFDC का भी था एग्जाम, अगर थोड़ी गेन सर्टन है तो आप उसको दिखा सकते हो, रीजनेबली कंजर्वेटिव, एंड दैट इज द ट्रेंड नाउ, वो होने वाला है धीरे धीरे। एंड वैसे वैल्यूएशन के भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ पे कॉस्ट 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 पे करते हैं, रीवैल्यू बहुत रेयरली करते हैं, वहां पे रीवैल्यू होते रहता है, बीच बीच में होते रहता है। ओके, वो वाला भी थोड़ा चेंज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको गेन हो रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बढ़ रही है, तो दिखा दो, रिफ्लेक्ट कर लो बुक्स। अभी देयर आर मेनी कंपनीज, फॉर एग्जांपल बॉम्बे डाइंग, द वर्ड अबाउट बॉम्बे डाइंग, नस्लीवाड़िया एयर, गो एयर वाला जेट, स्पाइस जेट है शायद उसका, बॉम्बे डाइंग बर्मा, बॉम्बे एंड बर्मा, ब्रिटानिया, सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, वाड़िया ग्रुप। तो वो लोग का बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप पकड़ के देखोगे तो आपको रीजनेबल प्रॉफिट लॉस नॉर्मल बैलेंस शीट दिखेगा, लेकिन उन्होंने 50-50, 60-70 साल पहले इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रखी है साउथ बॉम्बे साइड, पुणे साइड और बाकी अदर एरियाज इन इंडिया, उनकी वैल्यू अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है बुक्स, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू है, अपना कॉस्ट कंसेप्ट चल रहा है वहां। जैसे वो मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट करेंगे, देयर विल बी अ सडन बूस्ट इन द प्रॉफिट, तभी देयर विल बी सडन बूस्ट इन द प्रॉफिट।
सो ये कंसेप्ट अभी धीरे धीरे वी आर मर्जिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन करंट वैल्यू के हिसाब से लाया करो, सर्टेनिटी हो जाती है तो उसको रिवैल्यू करते रहो. दीज आर द चेंजेस हैपनिंग इन द स्टैंडर्ड्स. सो ये मर्ज हो जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ओके, लास्ट टाइम एक ट्राई करो खुद से. अब नंबर ज्यादा अपना 25 बोला, 25 करो खुद से. उसमें भी स्क्रैप वैल्यू जीरो है. चलो राइट, व्हाट इज जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स? नहीं नहीं, जीरो रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, वो पूरा लाइन साथ में बढ़ो. इट इज डेप्रिशिएटेड फॉर 3 इयर्स, डेप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स. मतलब 3 साल के लिए डेप्रिशिएट किया, उसके बाद रिवैल्यू 84,000. सॉरी, हो गया बड़े फास्ट हो. ध्यान से करना, इसमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी है, टोटल यूजफुल लाइफ नहीं है, 9 इयर्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. सर 24th है कि 25th है? 25th 24th भी बाकी है क्या? 24th तो किया हमने ना यार कल, 24th तो कर लिया हमने शायद, 24th तो कर लिया कल, 25 करना, 25 करना है, 1 lakh आ रहा लाख आएगा, 1 lakh रुपीज आना चाहिए. ऐसे मत दिखाना एग्जाम में, ऊपर वाला नोट दिखाना, जैसे डिटेल में एक्सप्लेन किया, 5 mark का रिटर्न, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई डिड कैलकुलेशन. ऑल ऑफ यू क्लियर, कंफर्टेबल? कल वाले होमवर्क में किसी को प्रॉब्लम? आंसर्स राइट था वैसे, अब नहीं था. संडे टेस्ट है, आया ना मैसेज? सर संडे मत, संडे टेस्ट को पोस्टपोन कर रहे हैं, डेप्रिसिएट संडे मत रखो सर, प्लीज ये संडे मत रखो प्लीज. कल का ऑफ भी है, संडे से कोई ना कोई डबल नहीं तो टेस्ट पड़ेगा मंडे को. सर मंडे सर आपने बोला, आपने बोला एक ऑफिशियल हॉलिडे देते हो आप, वो भी आप ले रहे हो. सर संडे छोड़ दो प्लीज, संडे को सर, संडे बाहर. हां सर प्लीज, संडे को एक टेस्ट तो होता ही है राजीव भाई का भी, दो दो मत कर. नेक्स्ट संडे तो मंडे इवनिंग देना पड़ेगा, मंडे हां चलेगा, लेकिन संडे को मत रखो. कल भी सर लॉ का टेस्ट है वैसे, कभी मंडे को लॉ का टेस्ट है. कल कल ठीक है, चलो मंडे इवनिंग रखते हैं. ठीक है, अभी मंडे इवनिंग 6:30 6:30 to 7:30 1 hour, 6:30 to 7:30 1 hour, only depreciation, okay? Only depreciation. उसके बाद पूरा 6-7 chapter का साथ में ले लेंगे. Only depreciation का day Monday evening 6:30 to 7:30 evening show we are meeting.
के बी ऑन टाइम. चलो टेपरी खत्म. जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्ट आउट कर लेना, दो तीन दिन है तुम्हारे पास. ओके इम्पोर्टेंट क्या है इसमें डेपरी में सुन लो. नॉर्मल एफ आई एम आर बी एम पी एफ डी चेंज ऑफ मेथड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. पी एफ डी चेंज ऑफ मेथड पी एफ डी एंड चेंज ऑफ मेथड सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है अभी इसमें आपको इम्पोर्टेंट सम चाहिए तो शीट का मैं दे देता हूँ. मॉड्यूल का तो एक भी सम नहीं छोड़ना है. हाँ बोलो. चेंज ऑफ मेथड में खाली प्रोस्पेक्टिव ना. खाली प्रोस्पेक्टिव ना. रिट्रोस्पेक्टिव का चांस नहीं है. प्रोस्पेक्टिव चेंज ऑफ मेथड में इजी वाला है. प्रोस्पेक्टिव है तुमको. ठीक है और एक चीज है मॉड्यूल का एक भी सम छोड़ना मत. वापस गो थ्रू करना ऑल इलस्ट्रेशन ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम मैंने छोड़ा है मॉड्यूल का यहाँ पे नहीं है वो तुमको छोड़ा है. चेंज ऑफ मेथड का है खुद से ट्राई करने के. इट्स एन इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन है वहां पे बट यू ट्राई इट ऑन योर ओन सी वेदर यू आर गेटिंग इट. ओके वन प्रॉब्लम इज नॉट डन इन क्लास सो दैट आई वांट यू टू ट्राई चेंज ऑफ मेथड का फ्रॉम द मॉड्यूल. कुछ डाउट है तो लेट मी नो. मॉड्यूल पूरा झाड़ देना इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल हजार बार बोला है मैंने एक सम नहीं छोड़ना है मॉड्यूल. एंड शीट का इंपॉर्टेंट मैं भेजता हूँ. और हम लोग मिलेंगे मंडे को टेस्ट को 6:30 बजे. चलो आज लेक्चर खत्म है. एनपीओ बाय सर. एनपीओ वी आर स्टार्टिंग. सी यू नेक्स्ट. ओके दिस चैप्टर के लिए विल मीट ऑन मंडे नाउ. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. चलो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट्स अ कजिन ब्रदर ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ओके इट इज फाइनल अकाउंट्स इन फैक्ट final accounts of not for profit organizations. और पेपर में क्या है दोनों में से एक आएगा. 15 मार्क का वेटेज है या फाइनल अकाउंट्स या एनपीओ. सम ईयर दे में आस्क फाइनल अकाउंट सम ईयर दे में आस्क एनपीओ. व्हाट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Non-profit, non-trading, not-for-profit. Main motive is service. Society. अरे the motive is not profit. ये organization है यहाँ पे अंदर activities carry on हो रही हैं but the motive is not profit. The motive is service. The motive is not profit. The motive is just a second. The motive is not profit, the motive is service. Okay, now service based organizations hain society ke benefit ke liye kaam karte hain ya members ke benefit ke liye kaam karte hain. Examples example batao. इतने सारे किए हैं यार. एनजीओ गेम खाना. हाँ एनजीओ लाइब्रेरीज. एनजीओ आ गए लाइब्रेरीज आ गए जिम खाना आ गए. कौन से वाले नॉट द प्राइवेट वंस व्हिच आर रन बाय द कोऑपरेटिव्स. ओके ये क्लब्स और जिम खाना वो भी प्राइवेट वाले नहीं है. एकर्स क्लब मत ले लेना. एकर क्लब इज नॉट एन एनपीओ प्राइवेट क्लब है वो. ओके प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. Sorry? Schools. Cooperative society. Not the private ones again. Schools, charitable societies, cooperative societies, right? Colleges ho jate hain. Government colleges ho jate hain aapke. Yeah, government schools. Sorry? Hospital, charitable hospital ho jate hain. Not the private ones again. Ye Wockhard, ye tumhare Breach Candy and all, they are all private and they are all going to screw like anything. They are all private for making profits. Okay, so the charitable hospitals, the government hospitals, the schools, colleges, cooperative societies, consumer cooperative stores, you have farmers cooperative, you have your housing societies in which you live, that's an NPO. You have temples, you have trusts, you have
जिम खानास क्लब्स वगैरह अगर कोई है कोऑपरेटिव बेसिस पे सोसाइटीज में तो सो ऑल दीज एनजीओज हैं ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन हु रन फॉर सर्विस नॉट फॉर प्रॉफिट ओके दे विल ऑल कम अंडर एनपीओ अच्छा अभी एनपीओ का कोई एक्ट नहीं है कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जैसे पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है याद है What is the law governing partnership? Partnership Act 1932. Partnership Act 1932. अभी limited liability partnership भी आ गया है. That is governed by LLP Act 2009 and Companies Act 2013. तो ये सब particular law इसको govern करते हैं. किसको? Partnership को. Companies को कौन सा law govern करता है? Companies को Companies Act 1956 था. Revised to 2013. वो कंपनी का लॉ देखता है कंपनी के वर्किंग में अगर कुछ इश्यू आ गए केसेस हो गए तो वो लॉ फॉलो अपना सोल प्रोप्राइटर को कौन सा एक्ट गवर्न करता है सोल प्रोप्राइटर कौन सा एक्ट गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काम चलाना पड़ता है ठीक है तुम लोग पढ़ रहे हो अभी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काम चलाना पड़ेगा नो लॉ गवर्न्स सोल प्रोप्राइटर ठीक है एनपीओ और एनजीओ के लिए कोई एक एक्ट नहीं है देर आर एक्चुअली टू थ्री डिफरेंट एक्ट इट्स बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 तो ये तीन चार एक्ट है ये सब जो आपका टाइप ऑफ एनजीओ है उसके हिसाब से आप वो एक्ट में जाके उसके प्रोविजन देख सकते हो देर आर टू थ्री एक्ट गवर्न द वर्किंग मतलब कुछ डिफिकल्टी हो गया सूट्स हो गए लॉ सूट हो गए So you can go back to the those act to check it out. So two three different acts govern the NPO. Remember that. यहाँ पे अपने को law का कुछ खास concern नहीं है. यहाँ पे आपको accounts maintain करने. How does an NPO maintain the accounts? वो आपको देखना है. ठीक है? अभी practically modernization के बाद normal जो हम लोग का business जैसे account maintain करता है ना journal या subsidiary, then ledger. Then trial balance and then final accounts. So NPOs भी present है जो भी बड़े-बड़े हैं जो computerized accounting maintain करते हैं वो सब ऐसे ही maintain करते हैं journal subsidiary या ledger फिर trial balance और फिर final accounts. But छोटे-छोटे काफी सारे NPOs हैं और ये system आ रही है पहले से तो हम लोग को ये system के हिसाब से आपके accounts ready करने हैं तो छोटे-छोटे काफी NPOs ऐसे हैं जो ये पूरा system maintain नहीं करते जर्नल टू लेजर टू ट्रायल बैलेंस टू फाइनल अकाउंट इसीलिए आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाता एक्चुअली वो फाइनल अकाउंट ही है जो एनपीओ में आप करते हो वो फाइनल अकाउंट ही है एक प्रॉब्लम हमने डाला भी हुआ है ट्रायल बैलेंस का आएगा भी आगे तो वैसे मेंटेन कर सकते हो करते भी है काफी नॉर्मल बिजनेस फिर तो नॉर्मल बिजनेस हो गया नॉर्मल बिजनेस के जैसे पोस्ट करो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दो खत्म करो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाता उसके जगह दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाता उसके जगह दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट क्योंकि सिस्टम आ रही है कि पुराने टाइम से एनपीओ ज्यादा कुछ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं एक समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट उठा के आपको दे देते हैं दैट समरी ऑफ कैश और बैंक अकाउंट इज कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट्स लाइक योर कैश इट इज इनफैक्ट योर कैश अकाउंट ऐसे ही समझ खाली एक महीने का नहीं पूरे साल का पूरे साल का कैश बैंक अकाउंट का समरी बना के दे दिया इतना पैसा आया इतना पैसा गया अब आप बनाओ अकाउंट तो उसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है नॉर्मली यू गेट द ट्रायल बैलेंस इन द क्वेश्चन एंड देन यू पोस्ट इट टू डिफरेंट अकाउंट्स एंड देन यू गेट योर बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस नहीं होगा एंट्रीज वगैरह हुई है जर्नल लेजर में बट ट्रायल बैलेंस नहीं बना क्यों नहीं बनाया भगवान जाने क्योंकि नहीं बना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ये सब नहीं बनाते अभी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी हैव दिस रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है इट इज नॉट योर ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ट्रायल बैलेंस ऑल द क्लोजिंग वैल्यूज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके नॉर्मल अकाउंट्स में होता है रिसीट पेमेंट अकाउंट में यू हैव ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट पैसा आया पैसा गया ये दिखता है आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ठीक है तो ये होगा आपका क्वेश्चन पार्ट इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स आर लाइक एडजस्टमेंट्स ऑल अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस यू नीड टू गिव द टू इफेक्ट्स बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है बराबर है नाउ
what is the peculiarity of receipt and payment? There are certain points you need to take care of in case of receipt and payment. Tell me, is receipt and payment prepared on cash basis or accrual basis? Logical. Accrual. Cash basis. Receipt and payment. Receipt and payment is cash basis. It cannot be accrual. What is receipt and payment? Cash account. Bank account. Cash or bank account. Paisa aaya, paisa gaya. तो एंट्री कब होती है बैंक और कैश में? जब पैसा आता है या जब पैसा जाता है. तो ये आउटस्टैंडिंग तो दिखा सकता, अक्रूड तो दिखाई नहीं सकता, बराबर है. सो इट इज सिंपली ऑन कैश, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. वेर एज अपना फाइनल अकाउंट्स में जो ट्रेडिंग पीएनएल बनता था वो कैश सिस्टम पे था कि अक्रूवल सिस्टम था? अक्रूअल सिस्टम. अपना जो ट्रेडिंग एनपीएनएल बनता है वो अक्रूअल सिस्टम पर. तो यहाँ पर एनपीओ में भी हम लोग कुछ बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल के जगह पे. याद है क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वॉज नथिंग बट द ट्रेडिंग पीएनएल प्लस पीएनएल, ट्रेडिंग प्लस पीएनएल इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस. ट्रेडिंग पीएनएल को मर्ज कर दिया, बेसिकली ट्रेडिंग को हटा दिया. क्यों ट्रेडिंग को हटा दिया? एनपीओ में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं होती है. एनपीओ में मोस्टली सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज होती है. एनपीओ में कोई ट्रेडिंग बेस्ड एक्टिविटीज नहीं होती है. दे आर नॉट बाइंग और सेलिंग एनी गुड्स. ओके, बहुत रेयरली ट्रेडिंग वाले एनपीओ होते हैं, उनमें ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो. बट ट्रेडिंग मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आप दिखा सकते हो, बट बहुत रेयर केस. जनरली वो लोग सर्विस बेस्ड होते हैं. देखो ना, स्कूल्स, जिमखानास, लाइब्रेरीज, ये सब सर्विस दे रहे हैं, कुछ बाय सेल नहीं कर रहे हैं. लोग आते हैं, बुक्स पढ़ के जाते हैं, आपको मेंबरशिप फीस भरनी होती है. जिमखाना में आते हैं, एक्टिविटीज यूज करते हैं, मेंबरशिप फीस भरनी होती है. स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करके जाते हैं, फीस भरनी होती है. ओके, हॉस्पिटल में आते हो, इलाज करवाते हो, फीस भरनी होती है. तो यहाँ पर सब सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होते हैं. आपका हाउसिंग सोसाइटी में आप रहते हो, उसका आप मेंटेनेंस भरते हो, वो खर्चा करती है, सर्विस होता है. So this is all service-based organization. तो यहाँ पे trading होती नहीं है, इसके लिए हम trading account बनाते नहीं है, ठीक है? तो खाली P&L को हम लोग बना देते हैं, income and expenditure account बना देते हैं. Okay. Profit loss नहीं बोलना है, क्योंकि motto is not profit or loss, motto is service. तो अंत में जो profit या loss मिलता है, उसको भी हम profit loss नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? Surplus या deficit. याद है लिखते थे 12th standard, excess of income over expenditure and excess of expenditure over income, that is your surplus or deficit. Okay, अब ये जो income and expenditure account है, ये बनता कौन से basis पे? Cash basis पे कि accrual basis? Accrual. तो हमारा पहला target ये होता है कि जो cash में लिखा हुआ है receipt payment में, उसको face value पे नहीं लेना, उसको हमें अक्रूअल बेसिस पे, टाइम बेसिस पे कन्वर्ट करना है. ऊपर दिख रही है सैलरी पेड 10,000, लेकिन हमारी सैलरी तो 12 है, तो नीचे सैलरी 10 प्लस आउटस्टैंडिंग अक्रूड में कन्वर्ट करना है. क्योंकि अपना तो अक्रूअल सिस्टम पे, टाइम बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस टाइम बेसिस पे दिखना चाहिए, पैसा आया गया, नॉट इनकम. अच्छा, सेकेंड पॉइंट. पहला पार्ट क्लियर है, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस का. आपको सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना. डज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स? नो. डज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेक्स एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स? नो. करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है? पक्का? क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो रोकड़ा देखता है. रोकड़ा कहां से आया, लिखो रिकॉर्ड करो. रोकड़ा कहां पे गया, लिखो रिकॉर्ड करो. तुमने आज तक कैश अकाउंट इतनी बार बनाया हुआ है, तुमको मैं एंट्री बोलू सैलरी पेड तो लिख दोगे कैश में बाय सैलरी. तुमको मैं बोलू फर्नीचर परचेज, लिख दोगे फर्नीचर बाय फर्नीचर कैश. तो दोनों चले गए वहां पे,
salary was an expense, revenue. Furniture was an asset, capital. तो capital expenditure, revenue expenditure में कोई फर्क नहीं किया उसने, सब कुछ दिखा रहे हैं. वैसे ही capital receipt और revenue receipt में कोई फर्क करेगा? Receipt payment account? सोच के बताना. नहीं करेगा. Example, तुमको इनकम हुई, कोई सेल्स इनकम हुई, चलो कैश टू सेल्स, या कमीशन इनकम हुई कैश टू कमीशन, या सब्सक्रिप्शन की इनकम हुई कैश टू सब्सक्रिप्शन. तो चला गया तुम्हारे रिसीट साइड टू सब्सक्रिप्शन टू कमीशन, बराबर है? तो इनकम दिख गई. अच्छा, लोन उठाया है तुमने, लोन उठाया है, लोन उठाया है तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू लोन, कैश टू लोन. तो चला गया कैश के डेबिट साइड पे लोन. नाउ लोन इज अ कैपिटल रिसीट, बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाता है. बट इनकम कमीशन है, सब्सक्रिप्शन है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये तो रेवेन्यू रिसीट है, ये भी चली गई. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डजंट बाइफर्केट बिटवीन कैपिटल नेचर आइटम्स एंड रेवेन्यू. ये हमें करना है भैया. क्यों करना है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इनकम एक्सपेंडिचर अलग, एक साल का इनकम एक साल का एक्सपेंस अलग, और लॉन्ग टर्म आइटम्स अब बैलेंस शीट में अलग. तो कैपिटल नेचर आइटम, रेवेन्यू नेचर आइटम्स हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में अलग बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी अलग से हम लोग दिखाएंगे. इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? अपने को कन्वर्ट करना था, कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट करना. दूसरा पॉइंट क्या था अपना? कैपिटल एंड रेवेन्यू अपने को अलग करना है भैया. आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर आइटम दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? नहीं नहीं, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर आइटम्स नहीं दिखा सकते. वो एक साल का इनकम एक्सपेंस है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो रहा है वहां पे, और फिर आपका कंपैरिजन होगा उसके साथ. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट वी गो टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनना. Does the receipt and payment account record only current year's items or no, all the years? All the years. In fact, यही सबको झोल झपाटा problem का issue था. सब साल का mixture भिलपुरी आ जाता है. Okay, इस साल का payment किया वो तो आएगा, last year का कुछ pay किया वो भी दिखेगा, sir next year का कुछ pay किया वो भी दिखेगा. सेम वे इनकम साइड पे, इस साल की कोई रिसीट आई है वो तो दिखेगी, लास्ट ईयर का कोई पैसा अभी मिला वो भी दिखेगा, नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा अभी मिला वो भी दिखेगा. रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ रोकड़ा देखता है, रोकड़ा कैश अकाउंट. तो जो कैश आ रहा है रिकॉर्ड कर दो, इस साल में जो कैश आया रिकॉर्ड कर दो. ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट के एंड एंड में किया था, वो सैलरी वाला और वो जो एक का सेल्स का था, रिसीव इन एडवांस फ्रॉम डेटर्स, वो वाला था. उधर मैंने बोला था, याद है आपको, रोकड़े का दिमाग लगाने का, कैश रिसीव कैश पे दिया तो पैसा कितना आया वो देखना. तो रिसीट पेमेंट में भी वही लॉजिक है, वही कैश अकाउंट है, पैसा आया पैसा गया. ठीक है, नो डिस्टिंक्शन कहाँ से आया, कहाँ, कौन से साल का भैया. अरे चार साल पहले का पैसा अभी मिला चलो रिकॉर्ड करो, चार साल बाद का पैसा अभी मिला चलो रिकॉर्ड करो, वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेगा. लेकिन 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 जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो, कैन यू रिकॉर्ड ऑल द भिलपुरीज ओवर देयर? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो कौन सा आइटम बेसिकली दिखना चाहिए? ओनली करंट ईयर. इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली एंड ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स एक्सपेंसेस शुड बी डिस्क्लोज, राइट? And that too on cash system or accrual? Accrual system. Okay? I'll give you a simple example. आपको payment side दिख रही है salary. Payment side दिख रही है salary 40,000 rupees. आपको payment side दिख रही है salaries 40,000. Salaries दिख रहा है 40,000 rupees on the payment side. ये देख के पहले दिमाग चलना चाहिए. अरे यार, ये देख के पहले दिमाग चलना चाहिए कि भैया पेमेंट में दिख रहा है, पेमेंट में दिख रहा है मतलब क्या है? पेड सैलरी है,
तो क्या यही सैलरी करंट ईयर का एक्सपेंस होगा? हो सकता है आपने करंट ईयर का ही सैलरी पे किया हो सकता है, लेकिन मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि भैया सुनो सुनो, ये 40,000 ये साल की सैलरी नहीं है, इस 40,000 में आपने नेक्स्ट ईयर की 5 पे कर दी, नेक्स्ट ईयर की 5 पे कर दिया इसमें, तो क्या आप एक्सपेंस साइड पे 40,000 दिखाओगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं? इसमें तो नेक्स्ट ईयर की है 5, वो तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखनी चाहिए, तो 5 क्या करोगे? माइनस कर दोगे करंट ईयर प्रीपेड। अच्छा ठीक है, कर दिया 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिया। अभी आपने बोला चलो 35 तो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ, मैंने बोला नहीं भैया रुको और रुको, इस 40,000 में 3,000 तो आपने लास्ट ईयर की पे की है, 3,000 तो आपने लास्ट ईयर की पे की है, तो वो होनी चाहिए करंट ईयर के एक्सपेंस में कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लास्ट ईयर काम हो चुका था, तो द एक्सपेंस बिलोंग्ड टू लास्ट ईयर। कितनी थी? 3,000, तो मैं वो 3,000 भी हटा, वो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो मैंने ये साल दी, तो अगर लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो आपने ऑलरेडी सैलरी में ऐड किया होगा ना लास्ट ईयर, ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुका है लास्ट ईयर का, तो वो एक्सपेंस ये साल का है कि नहीं है? नहीं है, तो आपका एंट्री ये बंदा है ना एक्चुअली गलत एंट्री मारा। अगर आप लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग ये साल पे करते हो तो आपको एंट्री मारनी चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, वो होना चाहिए। बट हम लोग का तो ऐसे ही पुरातन से चला आ रहा है, सैलरी को ही डेबिट करो और फिर फिल्टर आउट करो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को फिल्टर आउट करो, तो इसने भाई ने सैलरी टू कैश ही मार दिया पूरा 40। एक्चुअली इस भाई को क्या करना चाहिए था, ये जो 3,000 लास्ट ईयर की सैलरी थी ना, इसका एंट्री इसको करना चाहिए था आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश 3,000, और जो नेक्स्ट ईयर की इसने पे की है इसका एंट्री करना चाहिए था प्रीपेड सैलरी टू कैश 5,000, एंड जो ये साल की करंट ईयर की पे की है 32, उसका एंट्री होना चाहिए था सैलरी टू कैश 32। ये करेक्ट वे था आपका अकाउंट दिखा। भैया जी ने क्या किया? भैया जी ने पूरा भेलपुरी बनाया, भैया जी ने सबको सैलरी में डेबिट कर दिया, तो अभी हम लोग उसको एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी डू इन एडजस्टमेंट, यू रिमेंबर दिस इज करंट ईयर प्रीपेड, करंट ईयर प्रीपेड यू सबट्रैक्ट एंड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग यू सबट्रैक्ट। तो हमने क्या एडजस्टमेंट एंट्री मारी, एक्चुअली ये होना चाहिए था, भाई ने क्या कर दिया, भाई ने ये कर दिया सैलरी टू कैश 40,000 कर दिया। अभी हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं भैया, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 5,000 प्रीपेड को डेबिट दिया, सैलरी को क्रेडिट दिया और एडजस्ट किया, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा बता सकते हो? लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी को एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी जो हमने 3,000 माइनस किया, उसकी एंट्री है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। तो एक्चुअली दिस वॉज द करेक्ट वे, क्योंकि इसने सैलरी को रॉन्ग डेबिट दे दिया 40 का, अभी हमने इसको ये एंट्रीज मार के एडजस्ट किया। अब आप ये तीन एंट्रीज और ये तीन एंट्रीज को क्लब करोगे ना तो आपको सेम एंट्री, यू क्लब द फर्स्ट थ्री एंड द नेक्स्ट थ्री एंट्रीज, यू क्लब देम यू गेट द सेम। Did you understand this part? तो ध्यान क्या रखने का, पेमेंट साइड पे जो है चीज वो करंट ईयर की होनी जरूरी नहीं है, हो सकती है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हो भी सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हो। उसमें लास्ट ईयर का भी पड़ा हो सकता है मसाला, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, हमें उसको फिल्टर आउट करना है, लास्ट ईयर को भी हटाने का, नेक्स्ट ईयर को भी हटाने का, और करंट ईयर का जो एक्सपेंस है उसको दिखाने का। इज दैट क्लियर? सेम थिंग गोज फॉर इनकम ऑल्सो। लास्ट ईयर की भी इनकम फिल्टर आउट करो, नेक्स्ट ईयर की भी इनकम फिल्टर आउट करो, करंट ईयर की इनकम दिखाओ। इज दैट क्लियर?
तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट पेमेंट एंड योर नॉर्मल अकाउंट्स व्हिच यू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. रिसीट एंड पेमेंट इज ऑन कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस. Receipt and payment is on cash or cash basis. Whereas your accounts, your income and expenditure is on accrual. Number two. Receipt and payment, does it make any distinction between long term and short term items, capital and revenue nature items? No. Whereas you need to do that. You need to show the revenue nature items in income and expenditure, capital nature items in your balance sheet. Remember entrance fees, life membership fees, legacies, receipt payment was sab bhel puri tha, subscription sab saath mein tha. Lekin income and expenditure aur balance sheet mein hum log alag karte hain. Long term tak 10-15 saal tak padha jaye, ek har saal aane wala. That is revenue. And the third point is, does the receipt and payment makes any distinction between last year and next year or current year items? No. We need to show that distinction. We will show only which income and expenditure in last year ka last year balance sheet mein jana chahiye, next year ka next year balance sheet. Uske liye balance sheet hai sambandh. So receivable, payable, asset liability, receivable, payable, asset liability. बैलेंस शीट में डाल करंट ईयर का ही इनकम करंट ईयर का ही एक्सपेंस दिखना चाहिए. समझ आ गए तीनों पॉइंट्स? मीनिंग समझ के करो फिर एंट्रीज अपने आप फ्रेम होती जाएंगी. कंसेप्ट रखना दिमाग में क्लियर, क्या दिखाना है वो क्लियर होना चाहिए. सेम फाइनल अकाउंट्स का लॉजिक है यहाँ पे. ठीक है, अभी सर्टेन इनकम्स ऑफ एन एनपीओ विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस इनकम. इसका सेट ऑफ इनकम्स थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं है. सबसे पहला तो सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम. ओके, रेकरिंग इनकम है फॉर एन एनपीओ, दैट इज सब्सक्रिप्शन. ये सब में नहीं होता, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में फीस हो जाती है. ओके, डॉक्टर हो गया तो उधर फीस हो जाएगी, लाइब्रेरी हो गया तो उधर मेंबरशिप फीस हो जाएगी, बट तुम्हारी अगर क्लब्स है, जिम खानाज है, उसमें सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है, इज इट अ कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू, ऑलवेज रेवेन्यू. सब्सक्रिप्शन मतलब अगर मेंबर को हर साल कंटिन्यू करना है तो मेंटेनेंस के लिए कुछ पे करना पड़ता है ना. जैसे आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस पे करते हो, जिस घर में आप रहते हो सोसाइटी में उसका मेंटेनेंस पे करते हो, वो मेंटेनेंस आपके सोसाइटी का इनकम है. आपका सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप मेंबर हो. ठीक है, वैसे एक जिम खाना इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप मेंबर हो, आप ओनर हो. तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, डोंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर मेंबर, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर बिजनेस. तो बिजनेस के लिए सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम. रेवेन्यू इनकम है, हर साल आती है, तो हमेशा कहाँ जानी चाहिए? बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड बेसिकली. इट्स एन इनकम, सो इट शुड गो ऑन द इनकम साइड. इज दैट क्लियर? नहीं. फीस है, सिमिलरली विजिटिंग फीस है इन केस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर की फीस है, या मेंटेनेंस इन केस ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज, ये सब इनकम. ओके, दैट्स डन. जनरल डोनेशन या सिर्फ डोनेशन दिया है? डोनेशन या जनरल डोनेशन दिया है, क्या अज्यूम? रेवेन्यू. रेवेन्यू. जनरल डोनेशन या डोनेशन दिया है? कैपिटल. No, 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 no. General donation या donation दिया है, दोनों revenue. क्यों? क्योंकि as I told you, these organizations work for charitable purpose or service basis. So governments है, outside society है, they help them by providing donations or subsidies or somewhat like that. Subsidy भी एक बार मैंने question में पूछा था आपको paper में, subsidy received from the government. It was a revenue receipt. गवर्नमेंट ग्रांट होता है, गवर्नमेंट ग्रांट सुना हो तो गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशंस, सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर डोनर्स इज रिसीव्ड ऑन ओकेजनल बेसिस बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे डू द वर्क ऑन चैरिटेबल बेसिस. सो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अज्यूम इट इज एन इनकम.
इट इज एन इनकम, ये सब कुछ आपके शीट में दिया हुआ है, रीड कर लेना घर पे जा, खाली रीड कर दे, ठीक है. सो डोनेशंस, ग्रांट्स, सब्सक्रिप्शन, दिस आर ऑल योर रेवेन्यू रिसीट्स, दिस आर ऑल योर रेवेन्यू रिसीट्स इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड. बैठा दिमाग में, ट्वेल्थ में थोड़े बहुत अलग करते थे आपको, अभी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है. डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं दिया है, कहाँ डाल का इनकम, अज्यूम करने का कि हर साल मिलने वाला है. देखो ये सब अजम्पशन है थियोरी के लिए, प्रैक्टिकली तो ये केक वॉक है. आपको क्लियर कट मालूम है ये हर साल आ रही है कि नहीं आ रही है, लमसम आ रही है कि थोड़ी थोड़ी हर साल आ रही है. अगर लमसम आ रही है, वंस इन अ व्हाइल लाइफ टाइम लायबिलिटी, सिंपल, हर साल आ रही है, रेवेन्यू का पार्ट है, इनकम, प्रैक्टिकली यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. दिस इज ऑल फॉर थियोरी. एनपीओ में थियोरी के अजम्पशंस है आपके सारे, इसके लिए याद रखना पड़ेगा. ओके, नाउ सर, सर बट अगर डोनेशंस रेगुलरली नहीं आ रहे तो फिर वो तो कैपिटल में ही जाएगा ना, मतलब. हाँ तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो, मैं आ रहा हूँ उसके डिटेल. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इट इज इनकम. ओके, नाउ इफ आई टेल यू दैट द डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग, द डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने का काम तो हर साल नहीं होने वाला है, वंस इन अ व्हाइल 20 साल में होगा, तो उसको लायबिलिटी में डाल. दैट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म डोनेशन, बिग अमाउंट, लमसम रिसीट, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, तो पुट इट अंडर लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन. गॉट इट? सो डोनेशन फॉर बिल्ड, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन. डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर प्ले ग्राउंड, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, ये सब एसेट के लिए डोनेशन आ रहा है. ये तो ऑब्वियसली घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, तो डाल दो उसको लायबिलिटी में, एसेट के लिए आ रहा है. अगर ये डोनेशन आपको दिया, डोनेशन इज रिसीव्ड एवरी ईयर फॉर पेइंग मेंटेनेंस चार्ज, डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर पेइंग सैलरी, डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस, तो वो हर साल आएगा, तो रेवेन्यू. और अगर कुछ इन्फो नहीं है तो भी रेवेन्यू, अज्यूम करने का हर साल मिलने वाला है. सेम इन केस ऑफ ग्रांट, सेम इन केस ऑफ सब्सिडी, ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर लाइब्रेरी, ग्रांट फॉर प्ले ग्राउंड, दैट इज ऑल लाइब्रेरी, बट नॉर्मल ग्रांट्स नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो दैट इज इट. तीन आइटम्स क्लियर, डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, सब्सिडी, सब कुछ नहीं दिया तो इनकम, चार आइटम्स. नाउ लाइफ मेंबरशिप फी, कुछ नहीं दिया है तो क्या लाइब्रेरी. लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब एक साथ उसको पूरा का पूरा लाइफ का मेंबरशिप चाहिए. सब्सक्रिप्शन बाद में मीटर चालू रहेगा मेंटेनेंस के लिए, जैसे महिंद्रा, महिंद्रा क्लब, महिंद्रा का हॉलीडेज, वो तो प्राइवेट, उसमें आप एक लाइफ मेंबरशिप फीस तो भर देते हो, फिर हर साल आपको कुछ तो अपग्रेड या कुछ तो होता है, वो आपको भरना पड़ता है एज अ मेंटेनेंस फी. आप किसी भी क्लब जिमखाना के मेंबर हो रहे हो, आपको लाइफ मेंबरशिप फीस चाहिए बढ़ा, तो लायबिलिटी में डालो, वंस इन अ टाइम रिसीव्ड इनकम. ओके, तो लायबिलिटी. बट अगर इंफॉर्मेशन में दी है, क्या इन्फॉर्म किया कि भैया बहुत बड़ा क्लब है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर साल कोई ना कोई लाइफ मेंबरशिप भर ही रहा है, भर ही रहा है, भर ही रहा है, फिर तो वो रेगुलर इनकम हो गई क्लब की, यू कैन पुट इट अंडर इनकम. इज दैट क्लियर? इसलिए आपको क्वेश्चन में आता था, याद है, हाफ ईयर, हाफ देयर, थ्री फोर्थ ईयर, वन फोर्थ देयर, 60%, 40%, तो टुकड़ा भी हो सकता है लाइफ मेंबरशिप फीस का, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. प्रैक्टिकली केक वॉक, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, इफ इट इज रिसीव्ड एवरी ईयर इट इज इनकम, इट इज रिसीव्ड वंस, एक बार ही. अभी मफतलाल है, मफतलाल इन चर्नी रोड, वो आज से 15 साल पहले मेंबरशिप देता था, अभी मेंबरशिप बंद हो गई, जिन्होंने ली उनकी हो गई, अभी किसी को मेंबरशिप मिल ही नहीं रही है, लाइफ मेंबरशिप फीस हो ही नहीं रही है, मेंबर्स ही कंप्लीट फुल हो गए, कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो In that case, once in a time, liability, capital fund, add कर दो, खत्म. Okay? तो question के ऊपर read करने का, अगर कुछ breakup दिया है तो लिखने का, नहीं दिया है तो life membership is क्या है? Capital receipt और revenue receipt. क्या assume करोगे? Capital. Capital receipt assume करोगे. Capital receipt. Okay? Once in a time. Once in a while. Once in a lifetime.
लेगेसी बड़ा लेगेसी मीनिंग बड़ा लेगेसी और पहले से भरते आ रहे हो डोनेशन आफ्टर द डिसीज्ड पर्सन मरने के बाद विल के हिसाब से देखा होगा स्कूल के ऊपर गुजराती लोग अपना नाम लिख के रखता है 5,000 rupees 10,000 rupees 1 lakh rupees 2 lakh rupees इतना सारा पट्टी बना के रखता है तो मार्बल के ऊपर कार्व करके सो दे आर ऑल लेगेसीज दे आर ऑल लेगेसी लेगेसीज आर नथिंग बट डोनेशंस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पर्सन ओके अगेन मरने वाला तो घड़ी घड़ी है नहीं तो लेगेसीज के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल रिसीट बराबर है कैपिटल रिसीट स्पेसिफाई करके दिया है कि मर गए लोग होगा नहीं ऐसा लेगेसीज के बारे में जनरली इंफॉर्मेशन नहीं होगा सो ऑलवेज यू पुट इट अंडर कैपिटल रिसीट एंड यही सब चीजों से आपका कैपिटल फंड बनता है देखो सोल प्रोप्राइटर में ओनर लाया पैसा कैपिटल बन गया पार्टनरशिप में दो ओनर लाया तीन ओनर लाया कैपिटल बन गया तो वैसे ये जो एनपीओ इसका कैपिटल फंड कैसे बनेगा ये सब मेंबर्स के डोनेशन ये सब मेंबर्स के जो लाइफ मेंबरशिप फीस है एंट्रेंस फीस है इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कैपिटल फंड कैपिटल फंड ओके तो व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल फंड इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1, 2, 3, 4 मेंबर्स इट्स अ कंट्रीब्यूशन फॉर ऑफ ऑल द मेंबर्स टुगेदर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मेंबर्स टुगेदर दैट इज योर कैपिटल इज दैट क्लियर So this is how the capital fund is built up via entrance fees, life membership fees, legacies, specific donations and all. Now, legacies ho gaya, entrance fees. Entrance fees was a controversial item. Entrance fees and admission fees, similar. Kahan dalna hai bhaiya? Capital mein dalna hai ki revenue mein dalna hai? Capital or revenue? It is a capital receipt. It is a capital receipt, okay? Entrance fees means what? Admission fees or entrance fees? It is one-time receipt on the entry of the member. Just like life membership fees, lifetime ka fees. Aise bhi once aayega on the entry, entry fees. Admission ya entry fees, okay? Gadi gadi nahi bharne wala hai. As I told you, information hai, breakup karna hai, to karo. Kuch nahi diya hai. If no info is given, then you assume karna. Kya assume karna? Entrance fees and admission fees are to be capitalized. It's a capital receipt. 12th mein wrong tha. Some people used to take it as revenue, admission and entrance fees. Okay. Actually, entrance fees, admission fees, if nothing is assumption hai, it's a capital receipt once a time. Once in a lifetime, entry pay karta hai. Ghadi ghadi pay nahin karne wala. Okay. So question mein diya to you break up accordingly 30%, 70%, 50-50, 1/4, 3/4, 1/3, 2/3. But if nothing is specified, then it is one time. Got it? So, can you repeat the point? Okay. Entrance fees and admission fees, they are paid once at the entry of the member. Entry hoti hai na member ki, that time he pays. फिर हर साल मेंबरशिप पे वो पे नहीं करने वाले वो सब्सक्रिप्शन पे करे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ही बार मिल रही है लमसम उसको कैपिटल फंड में ऐड करके जब बंद होगा तब रिटर्न करेगा दैट वे तो घड़ी घड़ी आने वाली आइटम नहीं है इट्स नॉट अ रेवेन्यू आइटम ओके सो इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अपना एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस इट शुड बी एडेड टू कैपिटल फंड लॉन्ग टर्म रिसीट अज्यूम कर ओके नॉट अ शॉर्ट टर्म रिसीट ब्रेकअप दिया है क्वेश्चन में दिया तो फिर अपने दिमाग नहीं लगाना है ये सब इंफॉर्मेशन क्यों है इफ नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड देन यू अज्यूम ऑल दिस कोई बिजनेस है जिसमें हर साल मेंबर आ रहे हैं जैसे मैंने लाइफ मेंबरशिप का बताया हर साल आ रहे हैं रेवेन्यू भी हो सकता है तो यहाँ पर भी एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू हो सकता है एडमिशन फीस भी रेवेन्यू हो सकता है प्रैक्टिकली यू नो द इन्फॉर्मेशन Okay? यहाँ पे थियरी में हमारे पास इनको नहीं होता है तो सो ऑल आइटम्स क्लियर पहले रेवेन्यू वाले कौन से है सब्सक्रिप्शन डोनेशन ग्रांट सब्सिडी कुछ नहीं दिया तो क्या है रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन डोनेशन ग्रांट और सब्सिडी कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू
स्पेसिफिक डोनेशन एसेट वगैरह के लिए आया, या तो कैपिटलाइज करने को बोला, कैपिटलाइज करने को बोल रहा है डोनेशन तो ऐड टू कैपिटल, स्पेसिफिक है तो लाइब्रेरी में अलग से बनाते थे ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी फंड अलग से दिखा देने, इसको बोलते हैं एंडाउमेंट फंड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड मतलब स्पेसिफिक डोनेशन कोई पर्पस के लिए आ रहा है, टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, ये कोई फंड है मतलब इसका पर्पस स्पेसिफिक है, ओके। और कैपिटलाइज करने को बोल रहा है डोनेशन, मतलब उसका पर्पस जनरल है, आप कोई भी एसेट इस्तेमाल करो चलेगा। अगर आपका स्पेसिफिक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड है तो पैसा उसी के लिए आ रहा है, लाइब्रेरी में दिखा के प्राइजेस के लिए वापरने का और कहीं नहीं। लाइब्रेरी फंड है तो लाइब्रेरी में अलग दिखाने का, कैपिटल फंड में ऐड नहीं कर, अलग दिखाने का और लाइब्रेरी के लिए वापरने का। क्रिकेट फंड है, क्रिकेट के एक्टिविटीज के लिए वापर सकते हैं, लाइबिलिटी में लिख, लाइबिलिटी में, क्योंकि ये सब रेगुलर नेचर इनकम्स नहीं है। कोई भी फंड दिया ना फंड, कोई भी फंड दिया ना फंड फंड फंड, तो फंड भाई हर साल मिलने वाली रिसीट नहीं है, ओके। इट्स एन इररेगुलर रिसीट, रेयरली आएगी, रेयरली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रही है, बिल्डिंग बनाने के लिए आ रही है, हर साल मिलने वाली नहीं। अगर कैपिटलाइज बोला है तो ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में जो पैसे हैं उसका पर्पस जनरल है, तो कैपिटल फंड में जो पैसा है आप फर्नीचर खरीदो, आप स्कूल बनाओ, आप एसेट खरीदो, किसी में भी वा। बट बिल्डिंग फंड है उसका पैसा जो कैश में पड़ा हुआ है उसको आप बिल्डिंग बनाने में यूज कर सकते, टूर्नामेंट फंड है उसका पैसा आप टूर्नामेंट के खर्चे के लिए वापस और कहीं। ये फंड को बोला जाता है एंडाउमेंट फंड, इनको कहा जाता है एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड मतलब क्या, मतलब डोनेशंस रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दे आर ऑल एंडाउमेंट फंड, सब लाइबिलिटी में जाता है, ऑल फंड्स गो इन लाइबिलिटी, सेपरेटली। दैट क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ नहीं दिया तो अलग नहीं, एड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में एड, ठीक है, पर्पस इज जनरल। Then we have entrance fees and admission fees. कुछ नहीं दिया तो capitalized. Purpose is general. कोई भी asset के लिए वापरो, capital fund में add करो। यहाँ तक सब clear? बोल। Any doubt till this point? Nature of income समझ में आ रहा है? पक्का? Now. Balance sheet में कैपिटल फंड और एंडाउमेंट फंड में फर्क समझ में आया? कैपिटल फंड का पर्पस इज जनरल, कैपिटलाइज बोला है ना तुमको क्वेश्चन में, कैपिटलाइज 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 जनरली बोला, डोनेशन कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल, बट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर प्ले ग्राउंड, ऐसा कुछ डोनेशन फॉर लाइब्रेरी तो फिर अलग से दिखाना, क्योंकि उसका पर्पस स्पेसिफिक होगा, उसका पर्पस स्पेसिफिक होगा, लायबिलिटी में अलग से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर क्रिकेट एक्टिविटीज, डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर गवर्नर्स पार्टी, दैट इज ऑल स्पेसिफिक डोनेशन, लायबिलिटी में अलग से, ओके। नाउ देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मटेरियल्स। मटेरियल आता था याद, एक आइटम मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल, बार मटेरियल, कैंटीन मटेरियल, ये मटेरियल का क्या फंड था? मटेरियल क्या था? एक्सपेंस था कि एसेट था? एक्सपेंस कि क्या था? फाइंड फॉर डेप्रिसिएशन और सेल फॉर, एग्जैक्टली, फाइंड डेप्रिसिएशन और सेल, फाइंड डेप्रिसिएशन और सेल, क्योंकि ये ऐसा आइटम है ना, ये दोनों जगह बैठ जाता है। कभी कभी साला क्रिकेट गुड्स पे डेप्रिसिएशन भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर। देखो प्रैक्टिकली अगेन वेरी सिंपल, गुड्स आपके डेली यूज हो रहे हैं,
अभी कोई जिम खाना है जॉली जिम खाना है, हर साल क्रिकेट 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 खेलते रहता है, नया पैड ग्लव्स बैट्स मटेरियल आ रहा है, यूज हो रहा है, एक्सपेंस है। बट कोई ऐसा क्लब है जहाँ पे क्रिकेट बहुत रेयर एक्टिविटी है, वो 10 साल तक संभाल के रखेगा ग्लव पैड, उसका एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो लंबा टाइम तक चल रहा है, अमाउंट कितना बड़ा है वो सब देख के आपको मालूम पड़ जाए। ये अगेन थियोरी के, आपको कहीं क्रिकेट मटेरियल दिखा या स्पोर्ट्स मटेरियल दिखा तो सर्च फॉर डेप्रिसिएशन और सेल। सिंपल सा यहाँ पे आपको हिंट है, डेप्रिसिएशन या सेल को सर्च करो। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किस पे होता है? सेल किसका होता है? एसेट। तो डेप्रिसिएशन और सेल दिया है तो यू शो इट देम अंडर एसेट्स, यू शो देम अंडर एसेट्स, सिंपल, ट्रीट देम लाइक एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन दिखा दो एक्सपेंडिचर। बट अगर ना डेप्रिसिएशन है ना सेल है तो फिर स्टॉक्स वगैरह दिया है, प्रीपेड दिया है, तो यू शो इट अंडर एक्सपेंस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करते हो तुम, दैट इज ऑल एक्सपेंस, बचा हुआ प्रीपेड, स्टॉक मींस प्रीपेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मटेरियल का फंडा बहुत सिंपल है, जस्ट सर्च फॉर डेप्रिसिएशन और सेल, सब में इंफॉर्मेशन होगा ही, ओके। तो डेप्रिसिएशन सेल दिया है तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस, ऑल लॉजिकल। नाउ बुक्स, बुक्स लाइब्रेरी बुक्स, बड़ा बुक्स एसेट, एसेट्स ऑलवेज एसेट, बुक्स आर ऑलवेज एसेट। व्हाट अबाउट इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स? Equipments and instruments are always asset. Always, no two thoughts about. The students make mistake in these points also. Equipment, instruments, books, चलेगी? वहाँ library में जाके देखो, college में 20-30 साल पुरानी books भी मिलेंगी, okay? Books are assets. They get depreciated, होता है asset. अच्छा, what about drugs or medicines? Medicines or drugs? Not those drugs. Medicines वाला drugs. Expense. Medicines or drugs are always expense, boss. Medicine कुछ रह के depreciate नहीं होगा. Medicines or drugs mainly hospital और clinics cases में ही आएगा, doctors के cases में, और वो हमेशा और हमेशा expense ही होगा. Yeah. Sir, तो last year हम लोग को वो doctor वाला समझा याद है, तो उसमें भी medicines expense में ही जाएगा. Yes, medicines are expense. Medicines are expense. हर साल डॉक्टर करता है ना, खरीदता है, देता है, खरीदता है, देता है, खरीदता है, देता है। तो एक डिब्बा 10 साल तक थोड़ी संभाल के रखता है। हाँ समझा। Okay, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल के केस में ही आएगा medicines and drugs. Always expense, always expense. हमारे घर पे ही देख लो यार, कोई medicine चली है क्या? 12 महीने से ज्यादा खत्म ही हो जाती है, नहीं आ जाती है। तो एसेट नहीं है, उसको कभी डेप्रिशिएट नहीं कर सकते आप, मेडिसिन एक्सपायर हो गई वो, ठीक है। इट इज एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस। एंड द लास्ट थिंग अबाउट सेल, ये हमने अभी भी देखा, जब भी कोई एसेट का सेल होता है, सेल, तो अभी ध्यान से सोच के बताना, रिसीट साइड पे कौन सी वैल्यू दिखेगी आपको, सेल वैल्यू या बुक वैल्यू? सेल वैल्यू। मैं आपको बोलूंगा कि एक एसेट था 5,000 का, ठीक है, मैंने बेचा 3,000, तो एंट्री क्या बनी? कैश लॉस टू एसेट, 5 का 3 में बेचा तो 3, 2 और 5, राइट। अब जरा बताओ मेरे को सोच के, यहाँ पर कैश अकाउंट में क्या दिखेगा, कैश अकाउंट में क्या दिखेगा? What you will find in cash account? Sale value. दिखेगा। Book value कैसा था? इसका split entry क्या हुआ? Cash to asset and loss to asset. बराबर है? Cash to asset is 3,000 and loss to asset is 2,000. बराबर है? तो cash to asset. तो cash में क्या दिखेगा? To asset. तो भैया यही record हुआ है. कैश में 2 एसेट ही रिकॉर्ड हुआ है 3,000, बाकी पोस्टिंग तो करना जरूरी है, अभी हुआ नहीं है। तो इफेक्ट कैसे दोगे? एसेट में बाय कैश, एसेट में बाय कैश मतलब बढ़ा की घटा,
घटा घटा एसेट क्रेडिट हुआ ना, मतलब घट गया, कितने से घटा, 3000 से घटा यहाँ पे। नाउ लॉस टू एसेट, तो वापस एसेट बाय लॉस, तो एसेट घटा कितने से घटा, 2 से और घटा, अभी अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर किया है, बाय कैश बाय लॉस, तो टोटल एसेट कितने से घटा, 5000। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एसेट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, बुक वैल्यू या सेल वैल्यू? बुक वैल्यू। इसका मतलब समझ आया क्यों बुक वैल्यू, अभी अभी किया डेप्री, क्रेडिट करते हो ना बुक वैल्यू से, वो बुक वैल्यू क्या है, ये बाय कैश और ये बाय लॉस, ये बुक वैल्यू जितने का था उतने का निकल गया है, ऑटोमेटिकली बैलेंस WDV में रिमेनिंग एसेट का बुक वैल्यू आ जाए। और ये लॉस, लॉस में भी बाकी है पोस्ट करना, लॉस टू एसेट, अभी लॉस कहाँ जाता है PNL में, NPO में कहाँ जाएगा लॉस, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड ये लॉस। तो ये चार पोस्टिंग में से एक पोस्टिंग हुआ था, हमने बाकी तीन किया, समझ में आया, चार पोस्टिंग है ना इसका, कैश में टू एसेट, एसेट में बाय कैश, लॉस में टू एसेट, एसेट में बाय लॉस, इसमें से खाली एक जगह पोस्टिंग हुआ है, कैश में हो चुका है। कैसे पता चला कैश में हुआ है, रिसीट साइड दिख रहा है, got it? बाकी सब हमने किया, एसेट में बाय कैश, एसेट में बाय लॉस और लॉस में टू एसेट। एसेट में से अभी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, माइनस कर देने का बुक वैल्यू 5000, एंड लॉस कहां जाता है, तो एक्सपेंडिचर से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो। और अगर बुक वैल्यू दिया ही नहीं है तो क्या अज्यूम करने का, एसेट सोल्ड का बुक वैल्यू दिया ही नहीं है तो क्या अज्यूम करने का, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो वीडियोस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू, बराबर है, सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट करो और नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां तक समझ में आ गया बात का? अब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस, द लास्ट आइटम, करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स इफ दे आर इन एडजस्टमेंट, आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट एडजस्टमेंट, ओके, बाद में इंडिविजुअल केसेस विल टेक इट अलोंग विद द सम, प्योरली अबाउट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लायबिलिटी, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर रिसीट पेमेंट में दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, क्या बोलती है आपके अंदर, नहीं दिख सकता, नहीं दिखेगा, नहीं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिसीट पेमेंट में दिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पेबल है, बराबर है, तो अगर रिसीट पेमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख गया तो कौन सा, वो ऑलरेडी पेड है, लास्ट ईयर का जो पे किया होगा, लास्ट ईयर का जो पे किया होगा वो करंट ईयर का हो ही नहीं सकता है। कभी कभी आता था याद है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन द पेमेंट साइड, या एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, एग्जांपल में किया था एक्सपेंस ऑफ 2006-07 वाला एक सम था, उसमें आता था एक्सपेंसेस ऑफ 2006, तो एक बार घूम के आया हुआ समय, वो 06 मतलब लास्ट ईयर का पे किया है। तो याद रखना, कॉमन सेंस है कि रिसीट पेमेंट में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली लास्ट ईयर का, करंट ईयर का कोई नहीं सकता, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट करंट ईयर प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स इफ इट इज एन एडजस्टमेंट, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स, करंट ईयर प्रीपेड लेस एन एसेट्स फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट्स, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट्स, अग्री ऑल ऑफ यू? अभी अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस रिसीट पेमेंट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पे किया ना भाई, पे कर दिया है, पैसे चले गए हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं आ सकता क्योंकि पैसे नहीं गए हैं, प्रीपेड तो आ सकता है ना, आ सकता है ना,
जरूर आ सकता है। तो सैलरी ऐसे अभी यही एग्जांपल में आपको देखो बताया मैंने सैलरी प्रीपेड 3000 ये 40,000 के अंदर ही पड़ी हुई है वो 5000 सॉरी करंट ईयर प्रीपेड 5000 ये सैलरी 5000 इसके अंदर ही पड़ी हुई है तो हुआ ना प्रीपेड पे कर दिया है 40 के अंदर पड़ा हुआ है पेमेंट साइड दिख सकता है समझ में आया दैट क्लियर अलग अलग भी दिख सकता है अंदर भी पड़ा हुआ हो सकता है लेकिन दिख सकता है नाउ इनकम रिसीवेबल एडजस्टमेंट प्योरली एडजस्टमेंट इनकम रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर व्हाट आर द टू ऐड और एसेट ऐड टू इनकम एंड एसेट्स इनकम बिलोंग्स टू करंट ईयर ऐड टू इनकम एंड एसेट्स दिमाग लगाओ और बताओ क्या ये इनकम रिसीवेबल करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में आ ही नहीं सकती क्योंकि अभी तक मिलनी बाकी है पैसे मिले ही नहीं तो कैसे आएगी ये सब प्रॉब्लम मैं वापस पूछूंगा आंसर आना चाहिए अभी सोचना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्योरली एडजस्टमेंट व्हाट आर द टू less from income and liability less from income and liability क्या ये receipt payment में आ सकती है कि नहीं आ सकती है अंदर भी पड़ी हुई हो सकती है अंदर पड़ी हुई होती है तो हम लोग adjustment करते हैं अलग से भी आ सकती है receipt payment में क्योंकि पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन करते थे याद आ रहा है कुछ ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन 3, 4, 5, 4, 5, 6 तीन साल लास्ट ईयर का भी मिला करंट ईयर का भी मिला और नेक्स्ट ईयर का भी मिला अलग आपको रिसीट पेमेंट में दिख सकती है इज दैट क्लियर पैसे मिल चुके हैं माइनस करने का भी वही रीजन है क्योंकि रिसीट के अंदर पड़ी हुई है प्रीपेड का भी माइनस करने का वही रीजन है क्योंकि पेमेंट के अंदर पड़ा हुआ है दैट क्लियर तो रिसीव्ड है प्रीपेड है अलग भी आ सकता है इंक्लूडेड भी आ सकता है बट रिसीव पेमेंट में आ सकता है आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल इस साल का नहीं आ सकता नाउ टेल मी एडजस्टमेंट में आपको दिया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में लायबिलिटी लेस फ्रॉम एक्सपेंस and opening balance opening balance less करने का reason क्या हुआ less करने का reason क्या हुआ ये साल का नहीं है ये साल current year का नहीं है ये साल का नहीं है मतलब आप assume कर रहे हो कि ये साल के अंदर पड़ा हुआ जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 40,000 के अंदर 3,000 last year का पड़ा हुआ था last year का इसके अंदर है इसके लिए आप minus कर रहे हो करेक्ट अज्यूम किया आपने परफेक्ट अज्यूम किया है लॉजिक समझा इसका माइनस क्यों कर रहे हो लास्ट ईयर का ये साल में पड़ा हुआ है ठीक है अलग आ सकता है या अलग अलग से दिख सकता है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के पेमेंट साइड पे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के पेमेंट साइड पे मतलब ये 37 अलग और 3 अलग पेड है ना लास्ट ईयर का ये साल पे किया है तो दिख सकता है Last year का outstanding can appear on the payment side because you are paying it. Are you getting this? All of you got that? अलग भी आ सकता है. Salary में आता था याद है 6, 7, 8 दो साल की salary last year current year. Last year और current year अलग-अलग भी दिख सकता है. Paid है तो. अच्छा, अभी सोच के बताओ prepaid expense of last year. What were the two effects of prepaid expense of last year? Add to expense and last year asset, right? Why do we add? Expense belongs to this year. Pay kar diya last year, belongs to this year. आपने पूरा chapter किया अभी अभी उसमें आपने घड़ी घड़ी दिखाया है final accounts में लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस क्या था फाइनल अकाउंट से हर एक सम में आता था लास्ट ईयर का प्रीपेड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाज लास्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंस यूज्ड टू शो इट अंडर ट्रेडिंग डेबिट एज एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर गॉट इट
अभी बहुत सारे आएंगे. सो लास्ट ईयर का एसेट था और करंट ईयर में यूज हुआ तो करंट ईयर का एक्सपेंस में एड हो जाएगा. क्या प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर के रिसीव पेमेंट में आ सकता है कि नहीं? लास्ट ईयर का प्रीपेड करंट ईयर के रिसीव पेमेंट में आ सकता है कि नहीं? नहीं. हाँ हाँ वो लास्ट ईयर के रिसीव पेमेंट होगा. लास्ट ईयर के रिसीव पेमेंट में आया होगा ना यार. लास्ट ईयर पे किया है, करंट ईयर पैसा थोड़ी दिया है तुमने. इस साल के रिसीव पेमेंट में आएगा क्या प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर? नहीं आएगा भैया, कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता. लॉजिक समझ रहा है? करंट ईयर के रिसीव पेमेंट में क्या होता है, पैसा आया पैसा गया इन द करंट ईयर. ये पैसा तो तुमने लास्ट ईयर ही पे कर दिया तो करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में कभी दिखने वाला नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो. इनकम रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर, बताओ लास्ट टू आइटम्स. इनकम रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इनकम रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर? लेस फ्रॉम इनकम एंड लेस फ्रॉम एसेट्स. Less from asset, कि assets of last year. Last year balance sheet asset. हाँ. Last year balance sheet. Perfect. Less from income and last year asset. Last year asset क्यों? क्योंकि last year की receivable थी. Last year की income में add किया. Last year के asset में दिखाया. Income तो last year की है. बराबर है? Current year में से minus क्यों किया? ये समझा नहीं. ये साल का नहीं है. बराबर है? ये साल का नहीं है. तो इसका मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हो? जो रिसीट में आपको इनकम मिली है उसके अंदर ये पड़ी हुई है. जैसे सैलरी में लास्ट ईयर की पड़ी हुई थी, वैसे इनकम में लास्ट ईयर की पड़ी हुई है. यही अज्यूम करना है. परफेक्ट अज्यूम किया आपने, इसलिए आप माइनस करते हो. समझ रहा है लॉजिक इसका? तो लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल, लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल ये साल मिली है ना, इसलिए इनकम में पड़ी हुई है, इसलिए आपने माइनस किया. ओके? मुझे बताओ क्या ये अलग से दिख सकती है? लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल रिसीट साइड अलग से दिख सकती है. अगेन सब्सक्रिप्शन दिखता था आपको, याद है 6, 7, 8 लास्ट ईयर का ये साल रिसीव किया दिखता था आपको. लेकिन उस केस में आप माइनस नहीं करते थे. उस केस माइनस नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? अब समझ आ रहा है क्यों माइनस नहीं करते थे? जब लास्ट ईयर का अलग दिया होता था सब्सक्रिप्शन, रिकॉर्ड नहीं करते थे. हाँ, क्योंकि अलग अलग दिया है मतलब करंट ईयर का अलग ही है ना, फिल्टर्ड है. अपना गोल क्या था? करंट ईयर का इनकम लेना था ना. इस इनकम में लास्ट ईयर का पड़ा है तो हम माइनस करते हैं. लास्ट ईयर का पड़ा ही नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. वो अब करेंगे प्रॉब्लम के साथ, सब करेंगे. फिलहाल कंसेप्ट समझ रहे हैं इनकम रिसीवेबल का क्या सीन हो रहा है. लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, इस साल के रिसीट में होगा मिला है, इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं. ओके? इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं. और अलग से भी आ सकता है, रिसीट साइड अलग से आ सकता है. तो बोलने का मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लास्ट ईयर का इनकम रिसीवेबल रिसीट पेमेंट में आ सकता है. ओके? क्योंकि मिला है और पे किया है इसका. अब जरा दिमाग लगाना. लास्ट 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 आइटम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर. What is income received in advance of last year? Add to current year and last year's liability. Add to current year income and last year liability. Add to current year income and last year liability. Last year liability तो समझा. Last year की pre-received है, less किया liability. Add क्यों किया current year में? Because it belongs to current year. Because it belongs to current year. Because the income belongs to current year. पैसे last year आ चुके हैं. तो दिमाग लगा के बोलो क्या ये pre-received income of last year current year के receipt payment में आ सकती है? नहीं आ सकती. क्योंकि पैसे कभी मिल गए तुमको? last year मिल गए हैं. इस साल मिले नहीं है भैया पैसे, तो आएगी कैसे? समझ में आई बात? पक्का clear? अच्छा, अभी थोड़ा और डिटेल में लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं. मुझे बोलो लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल, लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल ये साल के रिसीट पेमेंट में आ सकती है? हाँ हाँ हाँ.
लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम रिसीवेबल ये साल के रिसीव पेमेंट में आ सकती है. नेक्स्ट ईयर की इनकम ये साल के रिसीव पेमेंट में आ सकती है. प्री रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर आ सकती है. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की इनकम ये साल के रिसीव पेमेंट में आ सकती है. रोकड़ा है भैया, कैश तो कभी का भी आ सकता है. पेमेंट का भी सेम है, लास्ट ईयर का भी ये साल पे कर सकते, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी ये साल पे कर सकते, नेक्स्ट ईयर का भी ये साल पे कर सकते, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का भी ये साल पे कर सकते हो. इस साल का रिसीव पेमेंट में कोई भी पेड रिसीव इनकम आपको देख सकता है, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका मेडिटेशन क्लियर होना चाहिए. करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा इनकम और एक्सपेंस आउटर कॉलम में दिखना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, करंट ईयर का अर्न इनकम, करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस. फिल्ट्रेशन कैसे करना है प्रॉब्लम के साथ हम लोग देखते जाएंगे. टारगेट याद रखना, मजा आया बात. चलो ये सब पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, थियरी शीट रिवाइज करनी है बराबर से. कल हम लोग, कल क्या है, कल सैटरडे है ना, कल है अपना लेक्चर, तो कल हम लोग मिल रहे हैं 11:30 बजे, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. तो डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय.